अब मैं वली रहमानी में 18 साल का हूँ, डंके की चोट पे सच बोलता हूँ और आज भी सच बोलने आया हूँ और नरेंद्र मोदी को एक्सपोज करने आया हूँ। हो सके तो मेरी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा और पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचा दीजिएगा। और जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय बताएंगे आप। तो मेरे हाथ एक ऐसा चीज लगा है, आज मैं सर्च कर रहा था इंडियाज़ नंबर वन क्रिमिनल गूगल पे। मुझे जानना था कि इंडिया का नंबर वन क्रिमिनल कौन है, शायद दाऊद इब्राहिम हो, नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग जाकिर नायक भी हो सकते थे। तो मैंने सर्च किया इंडियाज़ नंबर वन क्रिमिनल, मेरे सामने लैपटॉप रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं इंडियाज़ नंबर वन क्रिमिनल सर्च करता हूं तो रिजल्ट क्या आता है, थोड़ा धीरज रखें, सब्र रखें, देखें इस वीडियो को आप। मैं सर्च करता हूं इंडियाज नंबर वन क्रिमिनल, कि इंडिया का नंबर वन क्रिमिनल कौन है। मैंने दिखाया सर्च बटन, ये क्या रिजल्ट में आता है, इंडिया टॉप 10 क्रिमिनल लिस्ट, मोदी इज नॉट ओनली मिस्ड इन द गैलरी, वर्ल्ड नंबर वन क्रिमिनल इज नरेंद्र मोदी अकॉर्डिंग टू गूगल। मैंने इंडिया सर्च किया, रिजल्ट में आया वर्ल्ड नंबर वन क्रिमिनल मोदी। तो मैं तुरंत जाता हूं और इसे डिलीट करता हूं और सर्च करता हूं वर्ल्ड नंबर वन क्रिमिनल। रिजल्ट देखिए आप, पहला रिजल्ट गूगल सॉरी फॉर नरेंद्र मोदी इमेज इन द टॉप 10 लिस्ट, कि गूगल भी माफी मांगता है, सॉरी है, गूगल कुछ कर नहीं सकता इस बात से कि मोदी जी का नाम टॉप 10 क्रिमिनल लिस्ट में है। फिर दूसरा भी मोदी जी, तीसरा भी मोदी जी कह रहा है, ये क्या, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम कैसे लिस्ट में आ गया, ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है कि नहीं, इनका नाम क्रिमिनल लिस्ट में कैसे आ गया। पूरा दुनिया घूमते हैं, दुनिया में अपनी एक छवि बना रहे हैं, क्या दुनिया के लोग ये सर्च करने से इन्हें ये रिजल्ट नहीं मिलता है। कितनी शर्मिंदगी की बात है ये कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठे, अमेरिका में बैठे, ये सर्च करे वर्ल्ड नंबर वन क्रिमिनल और मोदी जी का नाम आए, क्या हमारे देश के रेपुटेशन के लिए हानिकारक नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे ये देखकर, और खामोश बैठी है पूरा हमारी जो सोल्ड मीडिया है ना, ये बिकी हुई मीडिया जो प्रोपेगेंडा चलाने लगी है, जो मोदी जी के हाथों तो बिक चुकी है, ये सब चीज कभी ये मीडिया दिखाने वाली नहीं आपको। अगर आपको यकीन नहीं होता, वो सारे लोग, मैं टारगेट करता हूं कि कम से कम ये वीडियो 10 मिलियन लोग देखें, कि 1 करोड़ लोग तक पहुंच जानी चाहिए मेरी बात फेसबुक पर, हो सके तो मोदी जी तक पहुंचा दो कि आपका नाम गूगल पे वर्ल्ड नंबर वन क्रिमिनल पे आ रहा है। हिंदुस्तान के नंबर वन क्रिमिनल नहीं, पूरे दुनिया के, पूरे विश्व के नंबर वन क्रिमिनल पे आता है आपका नाम। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जब मैं इमेज पे दबाता हूं, इमेज, ठीक है, ये आया सारा रिजल्ट। अगर मैं इमेज दिखाऊं वर्ल्ड नंबर वन क्रिमिनल का इमेज, पहला तस्वीर मोदी जी, दूसरा तस्वीर मोदी जी, तीसरा मोदी जी, चौथा मोदी जी, पांचवा मोदी जी, एक और मोदी जी, एक और मोदी जी, शायद नीचे करने पे और भी मोदी जी, मतलब देखिए मोदी जी का तस्वीर उसामा बिन लादेन के साथ आ रहा है, दाऊद इब्राहिम के साथ आ रहा है। तो ये देखिए, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का रेप्यूटेशन। मैं जवाब चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का रेप्यूटेशन इतना गंदा क्यों है। मैं जवाब चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम टॉप 10 लिस्ट में क्यों आया, मुझे जवाब मालूम नहीं। अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। वली रहमानी है फेसबुक पेज, फॉलो कीजिए मेरा। और अगर आपको जवाब मिल जाए कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम टॉप 10 वर्ल्ड के टॉप 10 क्रिमिनल्स के नाम में क्यों आया, अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। अपना वीडियो यही खत्म करता हूं मैं, आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे दुआ में याद रखें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, टारगेट है 10 मिलियन व्यूज, 1 करोड़ लोग, सबको मालूम चलना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम टॉप 10 क्रिमिनल्स में आता है।